आप देख सकते हैं जरीर, माशाल्लाह जरीर में जो है दोस्तों काफी भीड़ लगी हुई है। आईफोन दिखाते हैं झोला, माशाल्लाह देख सकते हैं iPhone 14 iPhone 13। तो यहाँ पे आज काफी फोन लगे हुए हैं। आदमी आजकल ज्यादा यहाँ के जो है खरीद रहे हैं iPad जो मैं लेकर। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत जुटे हैं, क्या खरीद रहे हैं। फिलिपिनी लोग कैमरा चेक कर रहे हैं। हेलो गाइस, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, वेलकम बैक टू माय चैनल कफील कैटियर हेड ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अब तो क्या हाल, कैसे हो, सब ठीक ठाक, बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो फाइनली दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ जरीर में रात में, और आज आप लोग को इंशाल्लाह जरीर दिखाऊंगा, बुक स्टोर जरीर। दोस्तों ये काफी बड़ी मार्केट, iPhone 13 iPhone 11 iPhone 12 iPhone 14 iPhone 15 iPhone 16 जितने भी iPhone है सारा इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा दोस्तों Samsung का फोन। मैं चल रहा हूँ दोस्तों मैडम की लड़की का लेकर, वो iPad है दोस्तों, iPad में पता नहीं क्या मसला हो गया, कीपैड काम नहीं कर रहा है बताइए। तो जाकर हम जरीर में वहाँ पर, तो आप लोग को हम iPad दिखाते हैं दोस्तों किधर है। लेकिन इसमें iPad नहीं, ये iPad लिया था तो ये आप दे सकते हैं। ये दोस्तों है कीपैड, इसमें iPad लगता है, आप ये दे सकते हैं। बंद कर दो भैया। तो इसमें क्या मसला है पता नहीं, लड़की बताई कि इसमें टच जो कीपैड बटन है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम चल रहे हैं जरीर में, वहाँ पे मैडम को फोन करके बात भी करा देंगे और क्या मसला है वो मैडम बता भी देगी। इसको देकर वापस आना ही पड़ेगा, 2-3 दिन का टाइम लेगा, उसके बाद में ये जो बंद कर आ जाएगा, फिर वो फोन करेगा मैडम को, आकर रिसीव कर लेगी दोबारा, अपना जो मसला है वो सही हो जाएगा। तो बस आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो में, और मैं रोड पे निकल चुका हूँ। और अभी का टाइम दोस्तों बज रहा है 8, यानी 8:10 हुआ है। मेरे रूम से दोस्तों जरीर पड़ती 30 किलोमीटर। और आज आप लोग को दिखाऊंगा कि सऊदी अरब में हाईवे के ऊपर रात में गाड़ी कैसे चलती है, रात में ट्रैफिक लगती है रोड पे कि नहीं लगती है दोस्तों, सारा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जरूर मैं दूंगा। इशारे के पास रुके हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है, और जैसे इशारा खुलता जाएगा वैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। देता हूँ, और ये बंधु भाई पानी बेच रहा है, भागता हुआ आ रहा है आगे ही। क्या भैया आगे ही आ जाओगे क्या? चलिए, इशारा अपना ग्रीन हो चुका है, हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों सऊदी अरब की रियाद की हाईवे, ये हाईवे दोस्तों मक्का की ओर जाती है। आप लोग को आज ये बता दें कि दोस्तों ये जो हाईवे रोड है यहाँ पे इसके स्पीड जो है 120 की स्पीड है, यानी हम 120 के ऊपर जाएंगे, 130 पे जाएंगे, 125 पे जाएंगे तो दोस्तों मेरा आ जाएगा कैमरा। तो आपको दोस्तों ये जो लाइट दिख रही है, कैमरा जो दिख रहा है दोस्तों, इस कैमरे पर मोबाइल का फाइन आता है, यानी आप गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल यूज करेंगे तो ये जो कैमरा की अभी जो लाइट जल रही थी लुप, तो ये आपको कैच कर लेगा, उसके बाद में 500 रियाल का आपका फतूरा और धतूरा के साथ में मिल जाएगा। यहाँ की हाईवे चेक कर सकते हो दोस्तों, हम हाईवे रोड से बाहर निकलकर आ चुके हैं खिदमा में। दोस्तों अपना इशारा खुल चुका है, सामने मुझे दिख गई है जरीर। तो हम चलते हैं गाड़ी को अपनी वहीं पे पार्किंग करते हैं, उसके बाद में आप लोग को इंशाल्लाह आज आईफोन और जितने भी मोबाइल हैं सारा जो भी जरीर में लगा होगा आज देखते हैं दोस्तों ऑफर है जरीर में या नहीं। तो मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ आगे, नीचे भी पार्किंग है लेकिन हम नीचे नहीं लगेंगे, हम ऊपर लगाएंगे। ये जरीर, माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ जरीर, चलो देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं। हाँ पार्किंग तो भैया पार्किंग दोस्तों आज जैसे ऊपर आया वैसे तुरंत मिल गई मुझे। तो पार्किंग दोस्तों फाइनली मुझे मिल चुकी है, अब मैं गाड़ी को अपनी बंद करके फिर चलता हूँ अंदर iPad लेकर। पहले मैडम को फोन करता हूँ, फिर iPad जरीर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनसे मैडम से अपनी बात कराता हूँ। मैडम जो मसला होगा iPad में वो मैडम उसको बता देगी, फिर वो मैडम को बताएगा कि आज ही बन जाएगा या कल बनेगा या 2 दिन के बाद में आना, जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैडम और जरीर वाला जो है दोनों लोग आपस में बातचीत करके मामला सॉल्व कर देंगे। तो बने रहिए, मैं चलता हूँ, बंद करते हैं ऐसी। आप देख सकते हैं जरीर, वाह बहुत बड़ी जरीर है दोस्तों ये, और शाम का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जरीर के जस्ट सामने हाईवे रोड है, मक्का अली ये रोड है।
तो मैं चलता हूँ उसके अंदर, आईपैड अपना जो था मसला वो ले लिया, अब यहाँ पे देखता हूँ अंदर चलकर क्या मसला होता। और आज तो जरिए दोस्तों तो फुल चल रही है, मैं फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ अंदर। मेरे ये लिफ्ट लगी हुई नीचे जाने के लिए, खुल गया भाई, सिम खुल गया, हाँ सब खुल गया। इसको भी क्रॉस करते हैं, जगह के अंदर मैं आ चुका हूँ। काउंटर पर कराता हूँ मैडम से बात। अस्सलाम वालेकुम। सदैव हाजिर मुस्कान। माशाल्लाह जरीर में जो है दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे भीड़ लगी हुई है। आईफोन पे तो आदमी पब्लिक एकदम से गिर जा रही है। आईफोन दिखाते हैं, झोला लेकर काम जो था मेरा नहीं हुआ है, आप लोग को आईफोन दिखाते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आईफोन 14 आईफोन 13 कितने का है, पैसा नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे आज काफ़ी फ़ोन लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन ऑफर भी नहीं चल रहा है। स्त्री आदमी आजकल ज़्यादा यहाँ के जो हैं खरीद रहे हैं आईपैड, जो मैं लेकर बनवाने आया आईफोन 13। चाचा कुछ लेने वाले हैं, चलिए। बाकी लोकल जो है सैमसंग के वगैरह हॉनर सारे फोन इधर लगे हुए हैं। $1200-1300 सब लोकल फोन है। देखो लड़का सौ पूरा कर रहे हैं, 999 मेट्रोला। इधर वॉच भी लगी हुई है, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत जुटे हैं, क्या खरीद रहे हैं। यहाँ पे सैमसंग अल्ट्रा मिल रहा है फोल्ड वाला, माशाल्लाह। मानर अच्छा है, ये भी फोल्ड का है, 6899 का फोल्ड वाला फोन है। ये सब फिलिपिनी लोग कैमरा चेक कर रही हैं। इधर भी फोन लगे हुए हैं लाइन से, लेकिन बहुत सारे फोन जो है महंगे हैं। नीचे भी फोन आपको मिल जाएगा, वॉच वगैरह वगैरह। आज जो फोन जो है यहाँ पे ऑफर कोई भी ऑफर नहीं है, बाकी फोन जो है आईफोन 13 आईफोन 12 इधर लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन पैसा बहुत महंगा है। $2,299 2,500-2,200-2,300 रियाल में मिलता है, यानी इंडिया का 40,000-45,000-50,000 का फोन है आजकल। आपको चार्जर पावर बैंक मिल जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ हेडफोन, जरीर से निकलते हैं बाहर। जरीर में आज फोन जो है बहुत महंगा महंगा लगा हुआ है, ऑफर भी नहीं लगा हुआ है, और जो अपना काम जो कराने आए थे वो भी काम नहीं हुआ, तो हम इससे निकलते हैं बाहर। जरीर फुल है यार, लेडीज यहाँ पे भरी हुई है। तो फाइनली दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों, जरीर से बाहर निकल आओ, आ चुका हूँ गाड़ी के पास अपनी। और जो मैडम का जो आईपैड था वो बनवाने के लिए जो आया था, तो जो वारंटी थी दोस्तों उसकी 1 साल से ज़्यादा होगी, तो 1 साल की उसकी वारंटी थी, इसकी वजह से उसको वापस नहीं लिया ना, उसको बनाने के लिए बोला कि जब इसको बनवाओगे तो पैसा तुम्हें दूसरा पे करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चल रहा हूँ और रूम की तरफ, और मैं इंशाल्लाह कुछ और आप लोग को
दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी गाड़ी जो है बाहर निकल चुके हैं जेरिल से और अब चल रहे हैं दोस्तों वापस रूम की तरफ। फिर का टाइम दोस्तों बज रहा है 9:30, तो मुझे रूम पे पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएगा क्योंकि अभी वापस में ट्रैफिक मिलेगी तो इसकी वजह से टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो आज दोस्तों आप लोग देखा होगा कि जरीर में मोबाइल जो लगे हुए हैं लेकिन ऑफर में आज मोबाइल कोई नहीं था, सब महंगा महंगा 2000-4000-5000 रियाल से नीचे कोई फ़ोन है ही नहीं है। बाकी फ़ोन थे लोकल जो छोटे वाले फ़ोन होते हैं, यानी लोकल जो फ़ोन होते हैं 500-600-700 रियाल का होता है लेकिन वो बेमजे वाला फ़ोन होता है। तो इसके भी अजनबी आदमी है तो वो तो भाई अपना वही लोकल फ़ोन लेते हैं, यानी समझ लो कि छोटा फ़ोन 400-500 वाला, अच्छा फ़ोन अच्छा कैमरा वाला अच्छा टिकाऊ मोबाइल, वो महंगा है इस टाइम दोस्तों 2000-2200-2300 रियाल से नीचे कोई फ़ोन है ही नहीं क्योंकि ऑफर भी नहीं लगा है। जरीन में ऑफर लगेगा लास्ट दिसंबर में, यानी साल के लास्ट महीने जो होता है दिसंबर का उसमें ऑफर लगता है, यानी एक महीना कंटिन्यू ऑफर चलता है। जिसको भी खरीदना है तो लास्ट महीने में जाए, मोबाइल अपना लेना है या कुछ भी लैपटॉप लेना है आईपैड लेना है कोई कुछ भी लेना है तो लास्ट में जाइए इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में जाइए, जरूर आप लोग को ऑफर मिलेगा। हमने पूछा तो जरीन में जो काम करने वाले लोग हैं तो उनसे पूछा कि ऑफर का तगड़ा ऑफर रहता है, तो बोला कि दिसंबर में लगता है, साल के लास्ट महीना दिसंबर का आता है उसी में ऑफर तगड़ा लगता है। तो फाइनली दोस्तों आज हमें ट्रैफिक यहाँ पे नहीं मिली तो मैं हाईवे से अब हो जाता हूँ दोस्तों राइट, ये रोड मेरे घर की तरफ जाती है दोस्तों। यहाँ पे लगी हुई है ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पे सीधा जाने के लिए बंद किए हैं, ये लेफ्ट जा सकते हो या फिर आप यू टर्न गाड़ी कर सकते हो, इसकी वजह से यहाँ पे लग जाता है थोड़ा सा जाम। बढ़ा ले बाबू बढ़ा ले। तो व्हाइट लाइट लगने का फायदा ये है दोस्तों कि आपको साइड जो है तुरंत मिल जाती है, और पीली वाली लाइट लगा कर साइड मांगोगे ना तो जल्दी यहाँ के लड़के जो होते हैं दोस्तों वो साइड वाइड नहीं देते हैं। रेला वाला की वजह से ट्रैफिक लगी है, खाली मिल गई अपन राइट वाली रोड। तो दोस्तों आज रोड पे ट्रैफिक मुझे ज्यादा नहीं मिली, बाकी जुमा और जुमेरात के दिन होता तो अभी तक कि मैं अपने रूम पे नहीं आ पाता ना हम जरीर इतनी जल्दी जो पहुंच गए थे जरीर भी नहीं जा पाते, तो आज ट्रैफिक जो है नहीं मिली क्योंकि सुबह स्कूल है इसकी वजह से सब पब्लिक जो है घर पे है खाना पानी खाकर आराम से सो रहा है क्योंकि सुबह 5 बजे उठना भी रहता है, तो इसकी वजह से रोड पे भी तुम्हें शाम के टाइम कोई भी ज़्यादा आदमी नज़र नहीं आएगा। बस एक ही मसला है कि ड्राइवर नहीं सोएंगे, हाउस ड्राइवर जो है दोस्तों वो नहीं सोएंगे, बाकी सब लोग जल्दी से खाना खाकर टाइम से सो जाएंगे, टाइम से उनका उठना बैठना रहता है, लेकिन बता दें हाउस ड्राइवर जो है वो सबको सारी सऊदी जब सो जाती तो हाउस ड्राइवर सोते हैं, और बता दें जब सारे और दोस्तों जब सऊदी सोकर नहीं उठ पाते हैं सबसे पहले हाउस ड्राइवर उठ जाते हैं। तो ये हाउस ड्राइवर की दोस्तों यहाँ पे लाइफ होती है कि सबको सुला कर फिर सोना पड़ता है और सब लोग उठ नहीं पाते हैं, हाउस ड्राइवर जग के ब्रश व्रश करके अपना फिट फट होकर गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। जितने भी गल्फ कंट्री में ड्राइवर हाउस ड्राइवर रहते हैं उनको यही लाइफ है भैया। चलिए बने रहिए, मैं आ चुका हूँ रूम पे और वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। सुबह रास्ते में कहीं नहीं गया था, बस यही छोटी सी ड्यूटी लगी जरीर के लिए, छोटी सी क्या रोड खाली तो जल्दी आ गया, रोड जाम मिल जाते तो कम से कम 2-3 घंटे ऐसे लग जाते। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।